एपिसोड 2, द कल्चर ऑफ क्रिप्टॉन एंड देयर टेक्नोलॉजी। तो सुपरमैन के कॉस्ट्यूम में एक रेड केप और एक स्किन टाइट सूट है, जो पहली नज़र में काफ़ी ज़्यादा फ्लैशी या कहें तो फंकी लगेगा, लेकिन क्रिप्टॉन पर यह चीज़ काफ़ी ज़्यादा आम थी। और रिसर्चर्स के मुताबिक क्रिप्टॉन केप कल्चर को बहुत ज़्यादा फॉलो करता था, और क्रिप्टोनियंस के केप के कलर और उनके डिज़ाइन से हमें उनकी फैमिली डायनेस्टीज़ या कहें तो फैमिली हाउसहोल्ड्स की जानकारी मिलती है। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक क्रिप्टॉन्स पर लगभग 14 हाउसहोल्ड्स या कहें तो 14 फैमिली डायनेस्टीज थीं, और हर डायनेस्टी को एक खास तरीके का सिंबल मिलता था जिससे उनका हाउसहोल्ड रिप्रेजेंट होता था। क्रिप्टॉन्स की जो लोग थे उनकी जो जनरल कॉस्ट्यूम थी वो कह सकते हैं कि वेलवेट और लेदर जैसे मटेरियल के कॉम्बिनेशन से बनती थी, और कॉम्बैट के दौरान वो अपने सूट पर खास तरीके का आर्मर कवर करते थे जो अर्थ के किसी भी मेटल से कई ज़्यादा गुना स्ट्रांग था। रिसर्चर्स को ये भी पता चला कि क्रिप्टॉन के गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट और रिजिड रूल्स से गवर्नमेंट को चलाती थी, और क्रिप्टॉन की सोसाइटी भी अपने प्रोफेशन के हिसाब से अलग अलग कास्ट्स या गिल्ड्स में बंटी हुई थी, जिसमें सबसे अहम थे वॉरियर गिल्ड जिसमें जनरल जॉर्ड की फैमिली आती थी, थिंकर गिल्ड जिसमें सुपरमैन का हाउसहोल्ड यानी हाउस ऑफ एल आता था, इनके अलावा आर्टिसन गिल्ड, लेबरर गिल्ड, मेडिएटर गिल्ड जैसे और भी कई हाउसहोल्ड्स मौजूद थे। टेक्नोलॉजी की बात करें तो हालांकि क्रिप्टॉन की सिविलाइजेशन काफ़ी पुरानी थी, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में वो अर्थ से कई हज़ार साल आगे थे। रिसर्चर्स के हिसाब से क्रिप्टॉन की आर्मी की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी वो थी उनकी एयरफोर्स, जिसमें सबसे अहम थे स्काउट शिप्स और वर्ल्ड इंजन। कुछ इंटरेस्टिंग एयरक्राफ्ट्स भी हमें देखने को मिलते थे जैसे स्टार क्राफ्ट। ये वही मिनी शिप है जिसके थ्रू क्लार्क केंट को अर्थ पे भेजा गया था। जिस शिप ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा साइंटिस्ट का वो थी क्रिप्टोनियंस की ड्रॉप शिप, जो दिखने में बिल्कुल एक बीटल जैसी लगती थी और अर्थ के कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से मेल खाती थी। ड्रॉपशिप के थ्रू किसी भी सर्कमस्टेंसेस में या किसी भी जगह पे क्रिप्टोनियंस अपने सोल्जर्स को उतार सकते थे। वेपन्स की बात करें तो अर्थ के साइंटिस्ट को क्रिप्टॉन के नष्ट हुए शिप की रिसर्च के थ्रू और वहां पे पाए गए वेपन्स के थ्रू ये पता चला कि क्रिप्टोनियंस जो गन्स थी वो प्लाज्मा कॉन्सेप्ट पे काम करती थी, यानी कि उन गन्स से म्यूकस यानी कहे तो प्लाज्मा म्यूकस निकलता था जो इतना ज्यादा स्ट्रांग होता था कि अर्थ का डायमंड जो अर्थ का हार्डेस्ट सब्सटेंस है उसको भी मेल्ट कर सकता है। इनकी गन काफी ज्यादा सिमिलर है हमारी जो वीडियो गेम सीरीज है हेलो उसकी प्लाज्मा गन से, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे साइंटिस्ट के हिसाब से क्रिप्टोनियंस की गन भी काम करती थी। एक इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि क्रिप्टोनियन सूट का जो आर्मर था उस पर अर्थ के वेपन्स बिल्कुल बेकार थे, उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए क्रिप्टोनियन ही वेपन्स इस्तेमाल किए जाते थे। आपने ध्यान दिया होगा बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के दौरान, जब बैटमैन और सुपरमैन आपस में जब डूम्सडे को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं तो सुपरमैन क्रिप्टोनियन वेपन से ही डूम्सडे को मार पाता है, यानी अगर आपको किसी क्रिप्टोनियन बींग को मारना है तो आपको क्रिप्टॉन के ही वेपन्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्रिप्टॉन का कल्चर बहुत ज़्यादा डाइवर्स था, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डाइवर्स थी। तो यही वीडियो था आज का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर क्रिप्टॉन की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा अच्छी थी, वो टेराफॉर्म करके प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को चेंज कर सकते थे, तो उन्होंने अर्थ को ही क्यों चुना मैन ऑफ स्टील मूवी में? क्या वो मार्स को टेराफॉर्म करके वहाँ उसे रहने लायक नहीं बना सकते थे? तो इसी क्वेश्चन का जवाब हम देंगे इस सीरीज़ के अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू।